वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। दोस्तों आज की बात करेंगे कि आप रियलमी नार्जो N55 मोबाइल को सिस्टम अपडेट कैसे करेंगे। दोस्तों आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट जब आता है तब दोस्तों आपका मोबाइल का जो वर्जन रहता है वो चेंज होता है, या दोस्तों आपके मोबाइल में कोई भी सेटिंग दोस्तों चेंज होती है उसके लिए दोस्तों आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट आता है। और दोस्तों आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐसे फीचर्स रहते हैं जो दोस्तों आपके सिस्टम अपडेट के बाद में चेंज हो जाते हैं। तो सिस्टम को अपडेट करने के लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे और जैसी सेटिंग्स में जाएंगे दोस्तों आपके मोबाइल में अगर दोस्तों सिस्टम अपडेट या सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है तो दोस्तों आपको ऊपर ही ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सॉफ्टवेयर अपडेट न्यू वर्जन अवेलेबल। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे मोबाइल में दिखाई दे रहा है, आपके मोबाइल में ये अपडेट आया और रहेगा तो आपके मोबाइल में भी दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों ये तो आप नीचे आ जाएंगे और देख सकते हैं ऊपर देखने को मिल जाता है। आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों जैसे ही नीचे आ जाते हैं यहाँ पे आपको अबाउट डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपके मोबाइल में यहाँ पे ऊपर ही देखने को मिल जाता है दोस्तों आपका क्या वर्जन है, यानी कि दोस्तों आपका जो न्यू वर्जन है वो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहा है आपका Realme UI 3.0 दोस्तों अपडेट वर्जन जो रहता है। दोस्तों आपको करना क्या है, इस पर टिक करना है और जैसे ही आप इस पर टिक करते हैं दोस्तों आपके मोबाइल में नेट ऑन होना चाहिए। जैसे ही नेट ऑन रहता है दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड, तो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में क्या वर्जन आया दोस्तों यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका वर्जन है जो अपडेट अवेलेबल और दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल वर्जन जो है वो दोस्तों आपका साइज क्या है इसका 580 MB का है। और दोस्तों आपके मोबाइल में ये Realme UI 3.0 एंड्रॉयड वर्जन 12 और दोस्तों जो भी आपका अपडेट है वो यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल में यहाँ पे देखते हैं ये वर्जन आपके मोबाइल में आया, इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जैसे ही डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपके मोबाइल में दोस्तों एक लाइन आएगा 1 से 100 तक जाएगा दोस्तों आपके मोबाइल में वो डाउनलोड हो जाएगा सिस्टम अपडेट। उसके बाद में दोस्तों एक और ऑप्शन आता है दोस्तों आपका इंस्टॉल नाउ का, और आप उसको भी क्लिक करेंगे उसमें भी दोस्तों आपको 1 से 100 तक जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका मोबाइल ऑटोमेटिक दोस्तों स्विच ऑफ हो जाएगा और स्विच ऑफ होने के बाद दोस्तों फिर से आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन होएगा। और दोस्तों हो सकता है आपका मोबाइल में दोस्तों आधा घंटा टाइम लग सकता है दोस्तों, उसके बीच में दोस्तों आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है क्योंकि दोस्तों आपके मोबाइल में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर आप कुछ भी छेड़ देते हैं तो आपके मोबाइल में हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन दोस्तों आपको अपने मोबाइल को साइड में रख देना है और आपका मोबाइल अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जो भी नया फीचर्स आपके मोबाइल में आया रहेगा या नई सेटिंग दोस्तों आपके मोबाइल में अवेलेबल रहेगी वो दोस्तों आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने मोबाइल का सिस्टम अपडेट कर पाएंगे और दोस्तों जो भी प्रॉब्लम रहती है वो सॉल्व हो जाती है। तो वीडियो से कम प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।